हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल गेट एंड डीएससी इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स इंटेन। आज हम लोग डिस्कस करेंगे एड एम, दैट इज़ वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन ऑफ 8085 माइक्रो प्रोसेसर। साथ में मैं इसे कंपेयर करूंगा एड आर के साथ। ओके, तो बने रहिए मेरे साथ इस वीडियो में अंत तक, काफ़ी बातें आप लोगों को पता चलने वाली है। यहाँ देखिए, एड मेमोरी टू द एक्यूमुलेटर, इस इंस्ट्रक्शन का मतलब है जो मेमोरी का कंटेंट है उसे एक्यूमुलेटर के साथ ऐड करना है। तो मेमोरी की लोकेशन कौन बताएगा, राइट? क्योंकि मेमोरी माइक्रोप्रोसेसर के आउटसाइड का पार्ट है। इज इट क्लियर? एक्यूमुलेटर इज द पार्ट ऑफ व्हाट? माइक्रोप्रोसेसर। देन जो रिजल्ट आएगा वो एक्यूमुलेटर में सेव होगा, दैट इज द पॉइंट। रिजल्ट इज स्टोर्ड इन एक्यूमुलेटर, इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। एंड ऑल द फ्लैग्स, ऑल फाइव फ्लैग्स, कैरी फ्लैग, जीरो फ्लैग, ऑक्सिलरी कैरी, पैरिटी एंड साइन फ्लैग, सबके सब फ्लैग मॉडिफाई होंगे। ठीक, तो इतनी सारी इंफॉर्मेशन हमें मिलने वाली है। साथ में कितने बाइट का ये इंस्ट्रक्शन है, जैसा कि यहाँ लिखा हुआ है 1 byte, 2 machine cycle, 70 states। रटना नहीं है, समझना है, तो मेरे साथ बने रहिए इस वीडियो में अंत तक, आपको समझ में आ जाएगा कि कैसे ये 1 byte है, कैसे ये मशीन साइकिल 2 है और 70 states होते हैं। राइट, फर्स्ट ऑफ ऑल अबाउट मी, माई सेल्फ संजय राठी, आई एम हैविंग 18 years ऑफ टीचिंग एक्सपीरियंस इन द फील्ड ऑफ कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स लाइक ESC, JET एंड PSU। आई हैव क्वालिफाइड इंजीनियरिंग सर्विसेज एग्जाम 3 times एंड आई हैव मेंटर्ड मोर देन 1 lakh स्टूडेंट्स फॉर दीज एग्जाम्स। अकॉर्डिंग टू मी, किसी भी एग्जाम को निकालने के लिए एक ही स्ट्रेटेजी हो सकती है, बेसिक कॉन्सेप्ट पर वर्क करना होगा, साथ में नंबर ऑफ क्वेश्चंस बनाने होंगे फ्रॉम स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक देन प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। और जिस भी स्टेज में डाउट्स आए तो ध्यान रखिएगा, कोई भी डाउट सिली डाउट्स नहीं होता, डाउट डाउट होता है, तो डाउट क्लियर होना चाहिए। तो आप किसी भी डाउट को लेकर हमारे प्लेटफॉर्म पर आ सकते हैं, मुझे व्हाट्सअप कीजिए 9899400096 और हमारा ग्रुप आज ही ज्वाइन कीजिए। राइट, अब आपका क्वेश्चन होगा, सर अभी आप कहाँ हैं? तो मैं हूँ ऑन इंडियाज लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म, दैट इज अनअकैडमी। मेरे साथ साथ इंडिया की टॉप मोस्ट फैकल्टीज अब इस प्लेटफॉर्म पर है। हमारी एंथम है लेट्स क्रैक इट, अकॉर्डिंग टू हिट बड़े सपने देखिए, इंजीनियरिंग सर्विसेज गेट, इन एग्जाम्स में आपको टॉप करना है। अब आप इनको पूरा कर सकते हैं बिना किसी मेट्रो में जाए, ना आपको दिल्ली जाना है, ना हैदराबाद, ना बेंगलोर, बस आप तैयारी स्टार्ट कीजिए। हम आपको टिप्स देंगे, ट्रिक्स देंगे, क्विजेज लेंगे, मेगा क्विजेज लेंगे, डेडिकेटेड डाउट क्लियरिंग सेशंस लेंगे, रेगुलर कोर्सेज लेंगे, ताकि आप इन एग्जाम्स में टॉप कर सको। मैं आप लोगों के लिए लेकर आ रहा हूँ एक रेगुलर कोर्स फॉर 1 year प्रोग्राम, 2 year प्रोग्राम, 3 years प्रोग्राम, जॉब वालों के लिए, ड्रॉपर्स के लिए, फाइनल ईयर, थर्ड ईयर, सेकेंड ईयर, इनफैक्ट फर्स्ट ईयर स्टूडेंट, आप बस तैयारी स्टार्ट कीजिए अगर आप वाकई अपने सपनों को पूरा करना चाहते हैं। तो आप मेरा कोड यूज़ कर सकते हैं SI10 फॉर 10% डिस्काउंट एंड फॉर माई पर्सनल गाइडेंस। और आप मेरे इन सब्जेक्ट्स को देख सकते हैं YouTube में, स्पेशल क्लासेस में, ये टोटली फ्री हैं, ताकि आप समझ सको कि इन सब्जेक्ट को समझना है ना कि रटना है। चलिए देखते हैं आज का हमारा इंस्ट्रक्शन एडम, ये इसके बारे में पॉइंट्स है, ये टेबल है, लेकिन हमें पहले समझना है कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस। तो ध्यान रखिए, एड एम का ऑपकोड है 86H, दिस इज द ऑपकोड, ये है मशीन कोड और ये है आपका न्यूमोनिक्स। मशीन इसे समझती है और हम इसे समझते हैं, तो कितने बिट का है ये? 8 bit का ऑपकोड है। अगर मैं इसे मेमोरी में स्टोर करता हूं, फॉर एग्जाम्पल आपने इसे प्रोग्राम को मेमोरी में लिखा जिसकी लोकेशन है, और ये 8 bit का रजिस्टर है, तो 86 यहां आ जाएगा। 86 का मतलब 1006 मीन्स हो गया 0110। तो इसने कितनी ली? 8 bit, एंड द ग्रुप ऑफ 8 bit इज कॉल्ड 1 byte, एंड दैट्स व्हाई इट इज अ 1 byte इंस्ट्रक्शन। व्हाट इज दिस 1 byte इंस्ट्रक्शन? दूसरा, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एड एम? एड एम का मतलब है मेमोरी के कंटेंट को एक्यूमुलेटर के साथ ऐड कर दीजिए। तो फिर मेमोरी की लोकेशन कौन बताएगा? मेमोरी की लोकेशन बताएगा HL पेयर। हम सभी जानते हैं कि ये सब माइक्रोप्रोसेसर के अंदर होते हैं, A फ्लैग रजिस्टर, B, C, D, E, H, L प्रोग्राम काउंटर एंड स्टैक पॉइंटर। HL में, फॉर एग्जाम्पल आपने HL में लिखा हुआ है 4050। अब इस पर्टिकुलर मेमोरी लोकेशन पर, ये मेमोरी है जो आउटसाइड द माइक्रो प्रोसेसर है,
4050 में ये मेमोरी लोकेशन है, इस लोकेशन पर एक कंटेंट है, राइट, लेट एट द सेम टाइम एक्यूमुलेटर का कंटेंट है 38H। तो जब आप लिखेंगे एड M, तो माइक्रो प्रोसेसर इस लोकेशन पे जो कंटेंट है उसे रीड करेगा, 35 अपने पास लेकर आएगा और एक्यूमुलेटर के साथ ऐड कर देगा। 38 एड विथ 35, टोटल 8 प्लस 5 13, 13 को हम हेक्साडेसिमल में बोलते हैं डी, याद रखिए 10, 11, 12, 13, 14, 15, ए बी सी डी ई एंड व्हाट एफ, तो ये आ गया डी, 336DH। दिस रिजल्ट विल बी स्टोर्ड इन एक्यूमुलेटर एंड दैट इज द कंटेंट ऑफ मेमोरी लोकेशन। तो M का मतलब यहां है, तो बाय डिफॉल्ट इसका एड्रेस किस रजिस्टर में होता है, HL रजिस्टर पेयर में होता है, राइट। तो यहां का कंटेंट आपका इस एक्यूमुलेटर के साथ ऐड हो गया और रिजल्ट स्टोर हो गया एक्यूमुलेटर में। सभी फ्लैग्स अफेक्ट होंगे, तो देखिए सभी फ्लैग्स का मतलब है आफ्टर एडिशन व्हाट इज द कंटेंट ऑफ द एक्यूमुलेटर, आप ध्यान दीजिएगा व्हाट इज द कंटेंट ऑफ द एक्यूमुलेटर, 6D, मतलब 0110D, 13, 1, राइट, 12, 13, दिस इज द डी। अब बताइए क्या जब मैंने 38 और 35 को ऐड किया तो क्या कैरी जनरेट हो रही है, 38 टू 35 आप ऐड कीजिए, 0011 1001 0011 1010 1 1 0 carry 1 1 1 1 1 carry 1 1 0, ये आ गया आपका 6 और ये आ गया डी 6D। क्या यहां पर डेटा 8 बिट के बाद कहीं कैरी आई है, नो, तो कैरी फ्लैग इज 0। क्या थर्ड पोजीशन से फोर्थ पोजीशन में कोई कैरी गई है, नो, ऑक्सिलरी कैरी इज 0। हाउ मेनी नंबर ऑफ वंस, 1 2 3 4 5, ऑड है, व्हाट अबाउट द पैरिटी फ्लैग, 0, जब इवन होते हैं तो ये वन हो जाता है, देन 0 फ्लैग। क्या ये रिजल्ट 0 है, अगर एक्यूमुलेटर का पूरा कंटेंट 0-0 हो जाए तो 0 फ्लैग सेट होता है, तो ऐसा भी नहीं है, नो। अब बच गया साइन फ्लैग, साइन फ्लैग D7 बिट को देखा जाता है, ये D7 बिट है एक्यूमुलेटर की, D0, D1, D2, D3, D4, D5, D6, D7, क्या ये 1 है, नो, तो ये जो भी होगा वही आएगा, यहां भी आएगा 0। ऑल फ्लैग्स मॉडिफाइड अकॉर्डिंग टू द कंटेंट ऑफ व्हाट, एक्यूमुलेटर आफ्टर एडिशन, तो सब के सब फ्लैग मॉडिफाई होते हैं। अब याद रखिए इट इज अ 2 byte इंस्ट्रक्शन, देखिए 1 byte इंस्ट्रक्शन एंड 2 मशीन साइकिल। पहला मशीन साइकिल है ऑपकोड फेच, इसमें 4 T state लगेंगे, और दूसरा मशीन साइकिल है मेमोरी रीड, इसमें 3 T state लगेंगे, टोटल लगेंगे 7 T states। जबकि एड आर, एड आर वेयर आर A, B, C, D, E, H, L, ये होता है, इसमें 1 machine cycle opcode fetch, 4 T state, 1 byte instruction है ये, that is the difference between add M and add R। तो होप सो आपको बात अच्छे से समझ में आ गई होगी, these are the instruction। और डिटेल में अगर पढ़ना चाहते हैं तो आज ही गेट एंड ESC में सब्सक्रिप्शन लीजिए, डिटेल में पढ़िए, समझिए डेप्थ में, मेरा कोड यूज कर सकते हो, 1 year का प्रोग्राम लीजिए, फी इज ओनली 22,500, फॉर 2 year इट इज ओनली 27,000। EMI ऑप्शंस अवेलेबल है ऑल क्रेडिट कार्ड्स पर और HDFC के डेबिट कार्ड पर, आप EMI लीजिए और अपनी जर्नी हमारे साथ स्टार्ट कीजिए, अपने सपने पूरे कीजिए। ओके देन, थैंक यू फॉर वॉचिंग, गुड डे एंड गुड लक, थैंक यू।